नमस्कार साथियों, किसान अकादमी वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। हम एक वीडियो सीरीज आपके लिए हमने शुरू की है, क्या खाएं और क्या ना खाएं किसी रोग की उपस्थिति के अंदर, ताकि आप अपने भोजन से ही रोग के कुछ लक्षणों को कंट्रोल कर सकें, उसके कारणों को कंट्रोल कर सकें, जिससे रोग आगे ना बढ़े। साथियों, इसी सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं कुष्ठ रोग के बारे में। पहले तो बात ये कि कुष्ठ रोग क्या होता है। जो रोग शरीर में धातुओं और अंगों को नष्ट करता है उसको हम कुष्ठ रोग बोलते हैं। ये मुख्यतः त्वचा, श्लेष्मा, जो कलाएं हैं, तंत्रिकाओं का संक्रामक रोग है। जो बेसिलस लेप्रो नामक एक जीवाणु है वो शरीर में जो प्रवेश कर जाता है मुंह से, नाक से, कटी हुई त्वचा से, शरीर में ये जो जीवाणु इसका प्रवेश हो जाता है और जो कुष्ठ रोग है वो व्यक्ति की जो त्वचा है उसको वो ख़त्म करने लगता है और शरीर अपने आप ही जो नष्ट होने लगता है। रोगी के साथ जो व्यक्ति रहता है उसको भी ये संपर्क हो सकता है और एक बार यदि हो जाए तो ये फिर सारी उम्र तक रहता है। इसको कंट्रोल करने का बहुत मुश्किल इसका इलाज है, लेकिन फिर भी इसको काफ़ी हद तक इसको आगे बढ़ने से रोका जा सकता है और स्त्रियों की अपेक्षा यह रोग पुरुषों में अधिक पाया जाता है। साथ ही हम बात करते हैं इसके कारणों के बारे में। इसके जो कारण हैं, एक तो जो विरुद्ध आहार है ये एक बड़ा मेजर कारण है, और जो आहार जो है गरिष्ठ भोजन है, नए अनाज है, मछली है, दही है, अत्यंत खट्टे लवणित पदार्थों का सेवन है, और धूप में यदि व्यक्ति घूम के आ रहा है उसके तुरंत बाद व्यक्ति ठंडा पानी पी रहे, अत्यधिक गर्म स्थान पर रहे जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, जैसे भट्टी के किनारे लोग काम करते हैं, उड़द तिल गुड़ दूध सब एक साथ खाए, और जो हमारा आयुर्वेद की थ्योरी है वात पित्त कफ जब कुपित हो जाते हैं तो इसका एक जो है आपको इसमें कुछ लक्षण इसके उभरते हैं। अब साथ ही इसके लक्षणों की हम बात करें तो जैसे कुष्ठ रोग के जो लक्षण है उसमें प्रारंभ में हल्का बुखार होता है, पाचन तंत्र में गड़बड़ी होती है, पेशियों में सुई चुभने जैसी पीड़ा होती है और त्वचा पर उद्भेद उभर आते हैं, गांठें पड़ जाती हैं, गांठें फूटे लगती हैं, फिर घाव हो जाते हैं, हाथ पैर की जो उंगलियां हैं, पलकें हैं, भौहें हैं, नाक में झिल्ली और वो गलने लगती है, चमड़ी जो है आपकी वो किसी की जो वो डेड होने लग जाती है और गंद हो जाता है, या आपको जो सोच है भूलने लग जाती है और अंगों की विकृति भी देखने में आती है। अब साथियों, बात आती है कि कुष्ठ रोग हो जाए या होने लगे तो उसमें क्या खाएं और क्या ना खाएं। एक तो पौष्टिक भोजन खाएं, मूंग की खिचड़ी, चपाती भोजन में लें, अंकुरित चना, जिमीकंद, पालक, बथुआ, आंवला, अनार, दूध, मक्खन, घी, तुरई, कुल्फा, फूलगोभी, परवल इसका सेवन अधिक करें, विटामिन वाले जो फल हैं उनको आप खाएं, और फिर उसके बाद क्या ना खाएं। जो वायुवादी करने वाले जो भोजन हैं, गरिष्ठ हैं, तले हुए भोजन हैं, गर्म प्रकृति के खाद्य पदार्थ हैं उनका सेवन ना करें, मांस, मछली, मिर्च मसाले, मसूर की दाल, आलू बैंगन इनको ना खाएं, नमक का पूर्णतः आप त्याग कर दें तो आपको इसमें बहुत राहत मिल सकती है। अब साथियों, रोग निवारण के लिए क्या क्रियाएं हैं, हमें क्या दिनचर्या में अपने बदलाव कर रहे हैं उसकी हम बात कर सकते हैं। एक तो जो रोगी है उसको साफ सुथरी जगह पर रखें, स्वच्छता का ध्यान रखें, दूषित मनोवृत्तियों को दूर करने के लिए सूर्योपासना है, ईश्वर प्रार्थना है और धार्मिक क्रियाकलाप हैं, इनमें आप शामिल होकर अपने मन को थोड़ा सा एक अलग पॉजिटिव साइड में लेके आ सकते हो, अपना जो नज़रिया है उसको बदल सकते हो, प्रेरक कहानियां हैं उसको सुने जिससे आपका जो एटीट्यूड है वो थोड़ा सा सॉफ्ट हो और आपको जो अच्छा जो है वो महसूस हो और जो आपका जो नज़रिया है वो बदले। अब उसके बाद इलाज करने के लिए गौमूत्र है उसकी 2 चम्मच की मात्रा छान कर सुबह शाम नियमित पानी के साथ आप उसका सेवन कर सकते हैं, और नीम के तेल को में 4 मोगरा का तेल बराबर मात्रा में मिला लें, उसको शरीर पर लगाया जा सकता है, और डॉक्टर है उसकी उससे अपना पूरा प्रॉपर इलाज कराएं। और जो कुष्ठ रोग है ये इसको फैलने से हम रोक सकते हैं। अब क्या ना करें साथियों, इसका बड़ा ध्यान रखना है हमें। एक तो गर्म और साफ सुथरी जो जगह ना हो, ऐसा स्वस्थ वातावरण ना हो, वहाँ पर ना रहें, तेज़ धूप में ना घूमें, अग्नि की आँच के पास ना बैठें। यदि किसी को हो गया तो उसको उससे घृणा करने की आवश्यकता नहीं है, उसको दवाइयों से काफ़ी हद तक उसके रोग को कंट्रोल किया जा सकता है और ये जो रोग है ये किसी को भी हो सकता है। तो साथ ही हमने बात की कुष्ठ रोग के बारे में, हमने ये भी बात की कि इस दौरान हम क्या खाएं और क्या ना खाएं। आपको साथी हमारी ये सीरीज कैसी लग रही है इसके बारे में आप हमें अपने विचार व्यक्त करें, अपनी हमारे कमेंट बॉक्स में आके आप अपनी फीडबैक ज़रूर दें ताकि हम अपने जो वीडियोज़ हैं उसकी क्वालिटी में भी सुधार कर सकें। आप साथियों, हमारे जो फेसबुक पेज है facebook.com/किसान अकादमी, उस पर भी आप हमारे साथ जुड़ के और वहाँ चल रहे विमर्श में आप शामिल हों और
हमारी जो एक ज्ञान विज्ञान की सीरीज है इसका हिस्सा बने। धन्यवाद।